कामी, ये बुढ़िया तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। कहाँ ये आखिरी दमों पर थी? और अब सोचो जरा, चलतर कहीं की तुम्हारी इंक्वायरी कराने चल निकली है। सही कह रही है अम्मा, और मुझे तो लगता है कि कराची में बिजनेस वाली बात भी ना हमारे गले पड़ने वाली। मैं तो कहती हूँ बिजनेस बिजनेस, जायदाद को गोली मारो, भाड़ में जाए सब कुछ, जो हाथ लगा ना समेटो और निकलो इस शहर से। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही है तू? इतनी मुश्किलों से इतनी बड़ी असामी मेरे हाथ लगी है और तू कहते है मैं इसको जाने दूं, इतनी आसानी से हार मान लूं? हरगिज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मसला दादी का है ना। निन्द्रा इतनी तेज तरार नहीं है। तो तेज तरार नहीं है तो उसे अपने जाल में फंसाओ ना, बस में करो, अपने करो फोन उसको, मोहब्बत का यकीन दिलाओ। शीशे में और कितना उतारू से, सिर्फ दादी का मसला है सर। दादी कहाँ मर जाती है? हेलो, हेलो। कौन? अच्छा, अब तो आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानती। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको खुद ही बता देते हैं, हम आपके दुल्हे बात कर रहे हैं। सॉरी, मैंने नाम नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खाला कैसी हैं? अरे बाबा, अगर आपको खाला जी का इतना ही ख्याल होता ना, आप उनको खुद कॉल करके पूछ लेती। मुझे तो लगता है कि आपने अपने दिल से इस रिश्ते को कबूल किया ही नहीं है ना। खाला को अपनी खाला माना है और ना ही खाला के बेटे को अपना। कामिल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? क्या आपके घर वालों को एतराज है कि आप अपनी सास से बात करें? उनको ये बात मायूब लगती है क्या? सॉरी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था कि मैं आपको शर्मिंदा करूं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि जिस तरह हमने आपको अपने दिल से अपना माना है, आप भी हमें अपना मान लें। निम्रा बाजी, मैं बाद में आपको कॉल करती। निम्रा बाजी, ओहो आप यहाँ है। नो, क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रही हो? वो जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। शायद कब से आपकी दादी की कॉल आ रही है और आपका नंबर बिजी जा रहा है। मारे का है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाओ, मैं आती हूँ। जी दादो, पूछनी किससे बात कर रही थी, क्या कहूंगी? ये तो इज्जत है मेरी, पहले खुद कॉल करती नहीं है, उठाती नहीं है, और जब मैं कॉल करूं तो खुद से काट देती है। इतनी बेइज्जती तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना, याद रखें। कामिल कभी भी अपनी बेइज्जती को भूलता नहीं।